हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एच प्रिया भोजक चैनल। आज हम जानेंगे सुखड़ी की रेसिपी के बारे में। जी हाँ, सुखड़ी इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कहीं पे इसे गुड़ पापड़ी कहते हैं, कहीं पे इसे पकवान भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं। और माता जी को जो हम थाल चढ़ाते हैं इसमें भी सुखड़ी बनाते हैं, या फिर कोई अच्छा प्रसंग हो हमारे घर में तब भी हम इसे बना सकते हैं। और गुजरात में जो स्थित है महुड़ी मंदिर, वहाँ वो जैन मंदिर है, वहाँ पे भी सुखड़ी का भोगी भगवान को धराया जाता है। और एक डभोड़ा है वहाँ पे भी हनुमान जी को सुखड़ी का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। तो आइए चलते हैं इस रेसिपी की ओर। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर ले और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम खाली बर्तन यानी कि कढ़ाई ले लेंगे। और देखिए, ये मैंने हाफ कप घी लिया है और ये 2/3 कप मैंने चपाती का आटा लिया है, जो हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं वही आटा है ये। देखिए, इतना आपको लेना है। और गुड़ आपको जितना हमने आटा लिया है उतना ही या फिर उससे थोड़ा कम हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टोव ऑन कर दूंगी, फिर हम इसके बाद इसमें घी डालेंगे। घी इस तरह से हमें डाल देना है और फिर हम घी को धीमी आंच पे गर्म होने के लिए रख देंगे। इस तरह से मैंने ये घी डाल दिया है। अब हम इसे धीरे धीरे गर्म होने देंगे। याद रखिए, हमें गैस की जो आंच है वो एकदम धीमी ही रखनी है, क्योंकि मीडियम और हाई फ्लेम पे रखने से घी जल जाता है। तो हम इसे धीमी आंच पे गर्म होने देंगे। अब हमारा घी गर्म हो चुका है तो हम उसमें जो रोटी का आटा है वो डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और हिलाते जाएंगे। हमें कंटिन्यूसली इसे हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से बर्न ना हो, नीचे से जल ना जाए। तो धीरे धीरे हमें इसे इस तरह से हिलाते रहना है। देखिए, इस तरह से हमें इसे धीरे धीरे हिलाते रहना है और थोड़ा जो अच्छी तरह से ये सेक ना जाए तब तक, क्योंकि ये अच्छी तरह से जब थोड़ा घी कम पड़ रहा है तो मैंने फिर से 1 टीस्पून डाला है। इसे अच्छी तरह सेकने से क्या होता है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और जब भी इसकी अच्छी अरोमा यानी कि हमें इसकी जो है फ्रेग्रेंस आएगी तो हम उससे मालूम कर सकते हैं कि हमारा आटा अच्छे से पक गया है। अच्छी सी खुशबू जब आने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका आटा पक गया है। देखिए, इस तरह से घी रिलीज हो रहा है। देखिए, इस तरह से हमें इसे हिलाते ही रहना है ताकि घी कहीं से भी जल घी और जो आटा है वो जल ना जाए। घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है आटा। और आपको और भी देखिए, अब मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया है, क्योंकि एकदम से हम पूरा गुड़ ले लेंगे तो बहुत शायद मीठा हो जाए। इस तरह से हम इसमें गुड़ मिक्स करते जाएंगे और जो गुड़ की गुठलियाँ है वो तोड़ते जाएंगे ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमें
आटे के साथ गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस तरह से हम इसे हिलाते जाएंगे और गुड़ है उसे भी मिक्स करते जाएंगे और ज़रूरियात के अनुसार थोड़ा और गुड़ ले लेंगे। आपको पूरा गुड़ लेना हो तो आप ले सकते हो और मैंने थोड़ा कम लिया है ताकि सुखड़ी बहुत अच्छे से मीठी बने लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी ना बने। इस तरह से हमें आटे को हिलाते रहना है और अब धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लग गया है, इसका कलर थोड़ा ब्राउन होने लगा है। थोड़ा इसे डार्क ब्राउन और होने देंगे ताकि अब इसमें अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हमें पता चल जाता है कि हमारा आटा जो है पूरी तरह से रेडी है सुखड़ी बनने के लिए। अभी थोड़ा और 2 मिनट तक हिलाते जाएंगे। तो अब हमारा कलर चेंज भी हो गया है और अच्छा भी दिख रहा है और इस तरह से हम करते जाएंगे। और इस तरह की और भी रेसिपीज़ आपको जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी बताएं। और इसे हमें ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्लेट चाहिए और उसमें मैंने घी पहले से लगा के ग्रीस करके रख दी है, फिर ये अच्छी तरह से पक जाए तो हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट में जो मैंने ऑलरेडी पहले से ग्रीस करके रखी हुई है। देखिए इस तरह से अब ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है तो हम इसे प्लेट में रख देंगे। इस तरह से घी से मैंने ग्रीस करके रखी है, अब हम इसे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से हमें ट्रांसफ़र करना है और फिर अच्छे से इसे फैला देंगे चारों तरफ, प्लेट में चारों तरफ हम इसे फैला देंगे। और जब भी ये गर्म हो तब भी उसमें ये जो है वो छेद करेंगे हम पीसेस के लिए जो हम कटिंग करते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सुखड़ी को चारों ओर अच्छे से फैला दिया है। इस तरह से हमें फैलाने हैं। अभी प्लेट गर्म हो गई है, सुखड़ी गर्म है इस वजह से धीरे धीरे हम ये काम करेंगे। तो इस तरह से हमने चारों ओर फैला दी है और अच्छे से टैप कर लिया है और हम इसमें कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये जब भी गर्म हो तभी कटिंग करें क्योंकि ठंडे होने के बाद ये अच्छे से कटिंग नहीं होती और इसके अच्छे पीसेस भी नहीं बनते। तो ये मैंने पहले से कटिंग कर दिया है और अब हम इसमें जो फिनिशिंग के लिए मैंने ये बादाम है जो बारीक थोड़ी काटी हुई है वो हम इसमें स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, सुखड़ी पे लगा देंगे। इस तरह से बादाम के जो है पीसेस मैंने कर लिए थे और अब हम इसमें ग्रेटेड किया हुआ, देखिए ये है नारियल, कोकोनट है, नारियल मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, इससे भी हम सुखड़ी पर फिनिशिंग के लिए रख देंगे ताकि अच्छी दिखे और इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा आए। देखिए इस तरह से हमने रख दी है तो तैयार है आपकी सुखड़ी खाने के लिए। धन्यवाद।